सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल रोज बर्फी, जो कि बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रोज बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम नारियल का बुरादा, 4 बड़े चम्मच रोज सिरप जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 4 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मावा भी ले सकते हैं, कुछ गुलाब की पंखुड़ी, 4 बारीक कटे हुए पिस्ता, 4 बारीक कटे हुए बादाम, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चलिए अब हम रोज बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें नारियल के बुरादे को ऐड करेंगे और इसे हल्का गर्म कर लेंगे। नारियल का बुरादा हमारा हल्का गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और साथ ही में 1 कप चीनी ऐड करेंगे और इसे चीनी पिघलने तक मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी पिघल चुकी है तो अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मावा का भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे ड्राई होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। बर्फी जमाने के लिए जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर जो कि व्हाइट कलर की लेयर है वो बनकर तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड लेयर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पैन वाले हिस्से में 2 बड़े चम्मच रोज सिरप ऐड करेंगे और साथ ही में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ऐड करेंगे। रोज सिरप ऐड करने से हमारा डो हल्का गीला हो चुका है तो इसलिए हम इसे ड्राई होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हमारी सेकेंड लेयर भी तैयार हो चुकी है तो चलिए अब हम इन दोनों लेयर को एक ट्रे में जमा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रे में ऑलरेडी बटर पेपर लगा लिया है तो अब मैं इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लूँगी। ऐसा करने से हमारी बर्फी चिपकेगी नहीं और आसानी से ट्रे से निकल जाएगी। बर्फी जमाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले व्हाइट कलर की लेयर को सेट कर लेंगे। इसे हम स्पैचुला की मदद से आधे ट्रे में फैला लेंगे। अब हमारा फर्स्ट लेयर अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो चलिए अब हम इसमें सेकेंड लेयर जो कि रोज की लेयर है उसे भी सेट कर लेते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से आधे ट्रे तक फैला लेंगे। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए हल्का सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जैसे कि बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता, यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। ड्राई फ्रूट को हम स्पैचुला की मदद से हल्का सा सेट कर लेंगे। अब हम इसे 4 से 5 घंटे तक फ्रिज के बाहर या फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है तो अब हम इसे एक प्लेट में कट करने के लिए निकाल लेंगे और इसे चौकोन शेप में कट कर लेंगे। अब हमारी रोज बर्फी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लेयर वाइज कितनी सुंदर दिख रही है, ये उतनी ही खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट है। तो इस रक्षाबंधन में आप इस रोज बर्फी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।